बर्थडे बजट में क्या खास रहा, बात करेंगे। हमारे साथ में बीजेपी नेता और संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक दल के सचेतक गोविंद सिंह डोटासरा साहब हमारे साथ हैं, अर्चना शास्त्री, जयसिंह कोठारी जी हमारे साथ हैं, साथ ही प्रोफेसर राजीव सक्सेना जी आर्थिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ बातचीत में मौजूद होंगे। एक रिपोर्ट का रुख करते हैं, सहयोगी अमित ने तैयार की है, बजट को लेकर क्या कुछ खास है। मुश्किलों से भाग जाना तो आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वित्त मंत्री के रूप में 180 मिनट लंबे अपने भाषण में सभी जिलों को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया। कई तरह के टैक्स में राहत दी तो कुछ सुविधाओं वस्तुओं पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ दिया। हालांकि ओवरऑल बजट राज्य के हित में बताया गया। विशेषज्ञों के अनुसार ये बजट रोजगार, उद्योग, व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिहाज से बेहतर माना जा रहा है। वहीं महिला दिवस पर महिलाओं का खास ध्यान रखते हुए उद्योग में महिलाओं द्वारा उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा। जहां भू रूपांतरण की सीमा 50% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है, साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी को भी बढ़ाया गया है। बजट में बैकवर्ड एरिया में लगने वाले उद्योगों को 0.5% ब्याज अनुदान दिया गया है। फूड पार्क के लिए अतिरिक्त रियायत दिए जाने की भी घोषणा की गई है। 5 करोड़ से अधिक और 25 करोड़ तक के निवेश पर सब्सिडी दी जाएगी। प्रवेश कर में भी कैपिटल गुड्स के आयात पर 100% छूट दी जाएगी। डिजिटल इंडिया की तरह डिजिटल राजस्थान के लिए साइबर ग्राम योजना में डिजिटल ज्ञान दिया जाएगा और मदरसा सहयोगियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बजट में SMS स्टेडियम में खिलाड़ियों के ठहरने के लिए खेल भवन का निर्माण जल्द शुरू कर दिया जाएगा। राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वालों को कई विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जैसी योजनाओं के लिए 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 180 करोड़ रुपए की लागत से 1600 से अधिक कक्षा कक्ष, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम का निर्माण करवाया जाएगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए 175 करोड़ की ग्रांट का प्रावधान दिया गया है। स्वास्थ्य सेवा को सुगम बनाने के लिए कई स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में बेड बढ़ाए जाएंगे। मेडिकल संस्थाओं में नई डेंटल सुविधाएं दी जाएगी। ई हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे और कार्ड को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा से जोड़ेंगे। CM वसुंधरा राजे ने एक बार फिर सबका विकास सबका साथ का मंत्र फूंका। प्रदेश की आर्थिक प्रगति और निवेश के लिए अनुकूल माहौल और नीतियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने करीब 3,33,000 करोड़ रुपए के निवेश MOU का उल्लेख किया। MOU को जल्द ही धरातल पर लाने की बात कही, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। राजे ने कहा कि हम सुराज संकल्प में किए अपने वादों को पूरा करने के प्रयास कर रहे हैं और विजन 2020 के तहत देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में प्रदेश को लाने की ओर बढ़ रहे हैं। बजट पर जहां विपक्ष ने प्रदेश को रेवड़ी बांटने की बात कही तो BJP के कुछ विधायक नाखुश दिखे, तो ऐसे में सवालों का उठना भी जायज है। क्या राज्य के बजट में सबका साथ सबके विकास का वायदा पूरा हुआ है? क्या सामाजिक कल्याण को लेकर बजट में फोकस हो रहा है? क्या रोजगार और निवेश को लेकर राज्य कामयाब रहे हैं? और क्या पानी, बिजली और सड़क के मुद्दे पर राज्य ने सौगात दी है? हमारे हौसलों की ताकत मत नापिए साहब। राजस्थान के लिए हम अपना खून भी बहा देंगे। तुम भी चलो इस सफर में अगर मेरे साथ। विकास की गंगा हम घर घर बहा देंगे। जाहिर है सरकार दावे कर रही है, ऐसे में सवाल की बारी है और सवाल यह है कि क्या वसुंधरा राजे का ये बजट प्रदेश की उम्मीदों पर खरा उतरता है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। firstindianews.com हमारा वेबसाइट पेज है, इसके साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। पहले मैं विशेषज्ञों का रुख करना चाहूंगा। जयसिंह कोठारी साहब, आपको क्या लगता है, रोजगार का जिक्र सबसे पहले किया उन्होंने भाषण के दौरान, रिसर्जेंट राजस्थान के MOU की बात कही, क्या राजस्थान की अर्थव्यवस्था को ये बातें रफ्तार देंगी? देखिए, जहां तक रोजगार की बात है, अब धीरे धीरे हम ऐसे मार्केट इकोनॉमी में एंटर कर चुके हैं जिसमें रोजगार को पैदा करना और सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम होता है
और MOU भी कर लिए तो MOU इम्प्लीमेंट होंगे या नहीं ये भी सरकार कुछ नहीं बता सकती या इसका कमिटमेंट नहीं कर सकती, एक प्रयास कर सकती है। तो जो हालात हैं और दुनिया में और सभी आप राज्य हम नहीं आप हरियाणा से लेके 10 स्टेट कम से कम इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं जो राजस्थान कर रहा है। अब वो इन्वेस्टर अगर आएगा तो कहाँ जाएगा, नोबडी नोज। जहाँ उसको बेटर फैसिलिटी मिलेगी, जहाँ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जहाँ बेटर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होगा, वहीं वो मतलब MOU पर सिर्फ दावे हुए, हकीकत कुछ और हो सकती है। हकीकत अभी तक तो कुछ नहीं समझ में आ रही है, ये सिंगल विंडो की बात कही गई है, लेकिन रियलिटी में अभी अगर हम कहीं पर डिपार्टमेंट में जाएँ तो ऐसा मैस है कि कोई किसी चीज़ को सपोर्ट करने को तैयार नहीं, कोई क्लैरिटी को तैयार नहीं, कोई एक आदमी नहीं जो जहाँ वहाँ जाए आपकी प्रॉब्लम का कोई निराकरण करे। तो जब तक हम केवल कागजों में बात करने से नहीं है, जब तक रियलिटी पे वहाँ नहीं देखेंगे तब तक उसका फायदा नहीं मिलेगा, मुश्किल है। हम वैसे भी दूसरे स्टेट से, राजस्थान पिछड़ा हुआ है, बिजली नहीं है हमारे पास में, पानी नहीं है, तो हमको अलग ढंग की अप्रोच चाहिए। वो अप्रोच हमारी जो सिस्टम है या ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसमें नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कमी ये है। ये चुनौतियां हैं जो मेरे ख्याल से, जैसा कि कोठारी साहब ने कहा, वसुंधरा राजे कैसे निपटेंगी इस बात का जिक्र करना भूल गई। सक्सेना साहब, आपको क्या लगता है, कुछ छूटा इस बजट में? नहीं, मेरे को जो बजट देखता हूँ, कई सालों से बजट देख रहा हूँ, तो पहली बार ऐसा लगा कि गवर्नमेंट ने कोई लोक लुभावन बातें करने की चेष्टा नहीं करी। जैसे कोई स्कूलें खोलने की, कॉलेज खोलने की, कहीं ये सब्सिडी देने की, या इस तरह से लोक लुभावन बातें नहीं की, लेकिन कुछ सुदृढ़ीकरण के लिए दिशा में शायद बढ़ना चाह रहे हैं गवर्नमेंट, और इसलिए गुड गवर्नेंस जो होती है, गुड गवर्नेंस करने की मंशा शायद उनकी दिखाई दी। जो दो तीन बातें बजट में मैंने देखी, जैसे वैट के लिए उन्होंने सरलीकरण, वैट के नियमों का ठीक ढंग से, वैट को एक तर्क संगत और उस तरह बनाने का काम किया है, और जो नियम, जो इस तरह से दिशा, पूरे रेवेन्यू की दिशा में ये कदम है। तो मुझे लगा कि ये बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने के लिए और एक अच्छा माहौल, एक गुड गवर्नेंस का माहौल बनाने की दिशा में शायद प्रयास है। टोटासरा साहब, इन तमाम बातों के बीच में विपक्ष का नजरिया कहता है कि धोखा हुआ है, वादा खिलाफी हुई है, स्वराज संकल्प का वादा पूरा नहीं होता। आपको क्या ऐसी बात नजर आती है जो लगता है कि स्वराज संकल्प में बोला गया और यहाँ वसुंधरा राजे ने उसका जिक्र नहीं किया? आप देखिए, सुराज संकल्प यात्रा में इन्होंने कहा था 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। कल मुख्यमंत्री जी ने 2-4 तारीख को अपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में तो ये कहा था कि 6 लाख लोगों को हमने अब तक नौकरी दे दी जी। आज उन्होंने कहा 80,000 को हमने नौकरी दे दी, और 2 दिन पहले 4 तारीख को या 3 तारीख को मुख्यमंत्री जी की तरफ से गुलाब जी भाई साहब दे रहे थे जवाब, मंत्री जी, गृह मंत्री जी, कि आप सब सदन एकमत हो जाए, हम संविदा कर्मियों को नियमित करना चाहते हैं, कोर्ट में हमारी नौकरियां उलझी हुई हैं। मेरा कहने का मतलब, इन्होंने लोगों को रोजगार देने की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया है। और जो ये बात कर रहे हैं बार बार हमने टैक्स नहीं लगाया, आपने तो बजट से पहले ही शराब नीति जारी की, तो उसमें 10% टैक्स बढ़ा दिया आपने, आपने शेड्यूल 4 में 0.5 टैक्स बढ़ा करके करोड़ों रुपए उससे भी लेने का बात कर दिया। आपने जो पेट्रोल और डीजल, जो क्रूड ऑयल हमारा 72% सस्ता हुआ, उसके बजाय 16% ही आप दे रहे हो, उसमें भी कोई देने की बात नहीं की। जो किसानों की, जो हमारी UPA गवर्नमेंट ने 86% तक सब्सिडियां किसानों की को देते थे, उसमें केंद्र ने कटौती कर दी, तो अभी थोड़ा बहुत बढ़ा करके वापस करने की बात कर रहे हैं। एक बूंद बूंद सिंचाई में 2 साल के बाद में सामान्य कैटेगरी में किसान अपना बिल दे सकता था और उसको काफ़ी फायदा होता था, सामान्य श्रेणी में सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, उसको आपने 5 साल कर दिया, यानी 3 साल आपको तो 1 रुपया किसान को सब्सिडी का देना नहीं पड़ेगा, वो पूरा का पूरा पैसा उनसे। सरकार कह रही थी 40,000 नए कनेक्शन देंगे जनजातीय इलाकों में, ऑन डिमांड हम दे देंगे। आप मैं उदाहरण दे दूं आपको, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 300 काश्तकार ऐसे हैं जिन्होंने डिमांड नोट जारी हो गए लेकिन उनके जमा नहीं लिए कि नहीं साहब आपने तो कुआ पता नहीं कब खोदा, हमारे सर्वे में नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, कह कह के केवल मात्र कागजों में ये बातें कर रहे हैं। अभी इनके सुराज संकल्प का आप देख लीजिए, अध्ययन कीजिए, इन्होंने कहा था आंगनबाड़ी और संविदा कर्मियों को हम नियमित कर देंगे,
अभी आंगनबाड़ियों को केवल 2 रुपए बढ़ाने की तो बात जरूर की है, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं बात की। पानी में इन्होंने कहा साहब हमने पेयजल योजनाएं इतनी कर दी, 13 का काम पूरा कर दिया। वो सारी पेयजल योजना अश्विनी जी हमारे समय की शुरू की हुई थी, उनको रोकने का काम किया। मेरे 832 करोड़ की योजना थी लक्ष्मणगढ़ में और फतेहपुर में, उसमें जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब तो हुआ था 37% काम, और इन 2 साल में 15 मार्च 2015 को 31 को होना था 2015 में, वो केवल 2% काम हुआ है। तो न तो पैसा दे रहे हैं, न इनका विजन है काम करने का। सड़कों में हर बार पीपीपी मोड। आप कहना चाह रहे सिर्फ घोषणा की है, केवल अमल कैसे आप देख लीजिए ना, 2014-15 का बजट देखिए, कोई 20,000 किलोमीटर सड़कों में बात की, दूसरे वाले बजट में 15-16 में 10,000 की। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक भी NHI में, एक भी स्टेट हाईवे में, एक भी MDR में एक प्रोजेक्ट अगर इनका चालू हो गया हो तो मैं आप कहो जहां। गोठवाल साहब, संसदीय सचिव के पद पर आप हैं, सरकार में बैठे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कहीं आपको लग रहा है कि मुश्किल है आगे जनता को जवाब देने के लिए, या लगता है कि अब बहुत कुछ आसान हो गया? जैसे अभी डोटासरा जी ने जो बात छोड़ी कि कहीं भी MDR में या नेशनल हाईवे के अंदर कोई काम स्टार्ट हुआ हो तो बताएं, मैं इनको अपने क्षेत्र में अभिनंदन करता हूं। इनका आए पीपीपी मोड पे नहीं, बिल्कुल सरकार 20,000 किलोमीटर पीपीपी मोड पे कर रहे हो ना, आज बात कर रहा हूं मैं। आज जो सरकार ने जवाब है, आज जो सरकार ने बजट जारी किया उसमें पीपीपी मोड का कहीं जिक्र ही नहीं है। हां तो वो 2 साल किया और अब वापस बैक हो गए, क्योंकि आपको कोई पैसा देने वाला ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकार ने जो बजट पेश किया ये ऐतिहासिक बजट है। आम आदमी इस बजट के बारे में ये चर्चा कर रहा है कि ये बजट पहली बार ऐसा बजट है जिसके अंदर झूठे वादे नहीं किए गए। इस बजट के अंदर प्रैक्टिकल चीजें नजर आ रही है। आज किसान को प्रधानमंत्री बीमा योजना के साथ जो जोड़ा जा रहा है ये एक नई चीज है। केंद्र क्या की बात, क्या कभी क्या नहीं ऐसा हो सकता है। आप सरकार में इसलिए आपके काम हो रहे हैं और ये विपक्ष में इसलिए काम इनको लग रहा है कि नहीं हो रहे हैं। नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है कि पिछली सरकार में इन्होंने खाली घोषणाएं की थी, इसलिए ऐसा लगता है कि इस बार ऐसी घोषणाएं नहीं हो रही, इसलिए इनको ऐसा लगता होगा शायद काम की गति रुक गई। नई चीज एक भी बता दो, जैसा इन्होंने पेयजल योजना के बारे में बताया, मेरे क्षेत्र के अंदर 150 करोड़ के काम चल रहे हैं जिसमें से 100 करोड़ के पिछले महीने में कंप्लीट हुए, जिसका मंत्री जी जाके उद्घाटन करके आए। एक वादा किया 18 लाख की आबादी को कम से कम पेयजल, साफ पेयजल इस बार मिलेगा, इसका वादा किया। जल स्वावलंबन अभियान को तेजी के साथ लाने का बात की कि जनता जल योजना फिर से शुरू होगी। क्या ये असरकारक घोषणाएं नहीं है डोटासरा जी? क्या 3,000 कैसे हैं घोषणाएं? आप इनको 2015 में जो इनको बस्तियों को जोड़ने की काम करना था ना, वो 1100 गांव को जोड़ पाए, ये इनका टारगेट था 3500। आप देखिए तो सही, कर 3 साल में 47 लाख लोगों को पेयजल मुहैया करवाया, ऐसा दावा करवाया, बिल्कुल करवाया, बिल्कुल करवाया। इनके खुद के 1450 दो साल में ट्यूबवेल हुए, पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे आप, आंकड़ों से बात कीजिए ना, जिस प्रमाण देता हूं सरकार, आपने 2 साल में 1450 ट्यूबवेल के अंदर पिछले 1450 ट्यूबवेल 2 साल का मतलब क्या है? मेरे ख्याल से कागज लेकर बैठे हैं, आंकड़ों की बात तो वो बोलेंगे। बिल्कुल बताए गोठवाल साहब, आज की जो परिस्थितियां हैं उसके अंदर रोड में कहें तो हमने पिछले 2 सालों पानी में बताइए जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम है। पानी में आप लोगों ने पिछले दिनों अपनी सरकार के समय 1 साल के अंदर जो आपकी रोडों की लगाने की कॉस्ट थी वो 638 करोड़ रुपए प्रति ईयर थी। हमने ग्रामीण पेयजल में अश्विनी 4700 रुपए का इनके पास में था, 2458 रुपए ये खर्च कर पाए हैं। 1000 RO लगाने की 15-16 में बात थी, वो आज तक लगे नहीं है। इनके 14-15 में जो 2100 RO थे पहले उनको ठीक करने की कोशिश किया नहीं आप ही, आपके पास जो आंकड़े पहले उनको ठीक करने की कोशिश करिए। हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ ना, 1000 RO में से नहीं कर रहे हैं, हमने लगाए थे जो पिछली कमिटमेंट की थी 100% इम्प्लीमेंट हुई है। आप बताइए, मैं आप आइए मेरे क्षेत्र में, तैयार हूं, आप हमारे जिलों में आइए, हमारे संभाग में आइए, हम आपको प्रैक्टिकली आरओ दिखाएंगे। आपने 14-15 में 14 वो हमने लगाए थे, नहीं वो हमने लगाए थे 3500 RO, आपने खाली कागजों में घोषणा की थी क्योंकि आपके पास वित्तीय व्यवस्था नहीं थी। चलिए पेयजल को लेकर बात हो गई, मेरे ख्याल से और भी मुद्दे हैं, बजट को लेकर घोषणाएं अहम है, सवाल सिर्फ रोजगार का नहीं, सवाल रिफाइनरी का है, सवाल रिसर्जेंट राजस्थान का है, सवाल दूसरे पहलुओं का है, टैक्सेस की भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट रहे हैं बिग फाइट लाइव।